22 जनवरी 2024 को रामलला राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उससे पहले अयोध्या वासियों को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात भी मिलने वाली है, जिसके लिए कल यानी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहां वे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे। नगरी में पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर खास तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेहद अलर्ट हैं। सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार पुलिस द्वारा तैयारियां की गई हैं और जो है आज संपूर्ण कार्यक्रम की रिहर्सल की जा रही है। SPG के अधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हमने पुलिस और PAC बल पर्याप्त संख्या में विभिन्न स्थानों पर लगाया है। सभी जो वेन्यूज हैं वहाँ पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। आज भी और रात्रि में भी पुलिस द्वारा लगातार सर्विलांस की जाएगी। यहाँ पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टियाँ सादे वस्त्रों में और यूनिफॉर्म में महिला व पुरुष पुलिसकर्मी लगातार अपने अपने ड्यूटी स्थल पर मौजूद रहेंगे। यातायात सुचारू रूप से संचालित हो इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हमने आसपास के जनपदों में गोष्ठी करके SPs के साथ डायवर्जन प्लान तैयार किया। ब्लू जोन में आसपास के जिलों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले ब्लू जोन साल 1990 और 1992 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक्टिव हुआ था। ब्लू जोन गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और बाराबंकी जिलों को मिलाकर बनाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जो हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा में विशेष सुरक्षा बल के 300 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। वहीं ब्लू जोन एक्टिव होने से तो आप समझ ही गए होंगे कि सुरक्षा का कितना खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि अयोध्या के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का काम पूरा हो चुका है, जहां एक तरफ अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, वहीं श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है।